हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैठ भाई का ज्ञान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीएससी एंड एएच फर्स्ट ईयर 2019 एनाटॉमी पेपर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनाटॉमी का पेपर 1 देखा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी पेपर 2। और अगर आपने हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे, क्योंकि हमारे चैनल पे सब वीडियोस अवेलेबल है 2016, 2017 एंड 2018 के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल सॉल्यूशन के साथ एक एक चीज़ को समझाया है, तो अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्विक आपका रिविजन हो जाता है और आपको ये आइडिया लग जाता है कि कितना आपको पढ़ना और बाकी है। आज का हमारा कोट है, वी आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज वी आर यूनाइटेड, एज वीक एज वी आर डिवाइडेड। ये जेके रोलिंग ने लिखी है और इसका मतलब साफ है कि हम अगर कोई भी काम मिलजुल कर करेंगे तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हम आसानी से पार कर सकेंगे। तो यही है आज का हमारा कोट। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पेपर। इधर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। नंबर 1, सेल विद फुट लाइक प्रोसेस फाउंड इन द विसरल लेयर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल आर नोन एज पोडोसाइट्स। तो इसका आंसर होगा पोडोसाइट्स। तो आपको पता होगा कि टोटल 3 फिल्ट्रेशन की लेयर प्रेजेंट होती है किडनी में। जो पहली लेयर होती है वो एंडोथेलियल सेल लाइनिंग होती है ग्लोम्यूलर कैपिलरीज की, दूसरी ग्लोम्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी होती है विसरल एपिथेलियल सेल ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो जो ये जो तीसरी लेयर होती है इसके अंदर पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, पिट्यूसाइट्स बिलोंग टू पार्स नर्वोसा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्स नर्वोसा के सिनोनिम्स है न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड, डैश इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन बर्ड्स। इसका आंसर होगा बर्सा ऑफ फेब्रिकियस। बर्सा ऑफ फेब्रिकियस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, और इसका मेन फंक्शन है हिमेटोपोइसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये प्रोक्टोडियम में प्रेजेंट होता है बर्ड्स के क्लोएका के अंदर। तो आपको पता है क्लोएका के 3 पार्ट्स होते हैं, सी यू पी, कप, कप से आप याद कर सकते हैं। सी मतलब कॉप्रोडियम, यू मतलब यूरोडियम एंड पी मतलब प्रोक्टोडियम। देयर आर 3 टाइप ऑफ लेमिना इन बोन, कंसेंट्रिक, इंटरस्टीशियल एंड सर्कमफरेंशियल। तो 3 टाइप के लेमिना होते हैं। फिफ्थ, एनालसेक आर प्रेजेंट इन डैश स्पीसीज। तो इसका आंसर आएगा डॉग्स, एनालसेक डॉग्स के अंदर होते हैं। द डैश सेल्स लाइन्स द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर आएगा एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्क्रॉटम इज सप्लाइड बाई डैश आर्टरी। तो इसका आएगा स्क्रॉटल आर्टरी। तो स्क्रॉटल आर्टरी है वो एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी का ब्रांच होता है। फिमोरल आर्टरी रन्स इट्स कोर्स इन एडक्टर कैनाल। कॉलम ग्लैंडिस इज प्रेजेंट इन पेनिस ऑफ। तो इसमें आपको स्पीसीज का नाम बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। टेंथ, फीटल रेमनेंट ऑफ यॉर्क सैक इन एडल्ट इज नोन एज राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। द रेमनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट इन फीमेल इज गार्टनर्स कैनाल। लेटरल मैल्यूलस इज सेपरेट पीस ऑफ बोन इन ऑक्स। इसका आंसर होगा ऑक्स। द मेटाटार्सल ऑफ ऑक्स इज हैविंग 4 सर्फेसिस। द पटेला ऑफ हॉर्स इज डैश इन शेप। तो जो हॉर्स का पटेला है वो रफली क्वाड्रिलेटरल इन शेप का होता है। द सिग्मल फ्लेक्सर इज प्री स्क्रॉटल इन बोअर। बोअर के अंदर जो सिग्मल फ्लेक्सर होता है वो प्री स्क्रॉटल होता है। द थायराइड ग्लैंड इज लाइंड विद सिंपल एपिथीलियम। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल एपिथीलियम। तो स्टार्टिंग में जब इमेच्योर होता है तो वो स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होता है, फिर उसके बाद वो क्यूबॉइडल बनते हैं, उसके बाद कॉलमनार। द होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन डैश। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, ये मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस एंड प्लासेंटल मैमल्स। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को टोटल क्लीवेज भी कहते हैं। इट इज अ कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज होता है जो कि पूरे एग को डिफरेंट और सेपरेट ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड करता है। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फाउल इज, तो फाउल के अंदर लॉन्गेस्ट बोन होती है टीबिया।
द वी शेप्ड यूट्राइन हॉर्न आर प्रेजेंट इन डैश, तो इसका आंसर होगा डॉग। डॉग के अंदर जो यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं वो वी शेप के होते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल लैब में भी आपको दिखाया होगा। द रेटिना ऑफ आई हैज डैश नंबर लेयर हिस्टोलॉजिकली, तो रेटिना जो है आई का उसमें टोटल 10 लेयर प्रेजेंट होती है। जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है पिगमेंट लेयर, उसके बाद लेमिना ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, लेमिना ऑफ नर्व फाइबर्स, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये सब लेयर्स होती है रेटिना के अंदर। चलिए शुरू करते हैं MCQs। सिंसेक्रम इज प्रेजेंट इन फाउल, द नंबर ऑफ टार्सल्स इन हॉर्स इज 6। एम्प्यूला ऑफ डक्टस डिफरेंस इज वेल डेवलप्ड इन हॉर्स। सब यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम इज अ म्यूकस कल्ड ए सेक प्रेजेंट इन काउ। सेमिनल वेसिकल्स आर एब्सेंट इन डॉग। डॉग के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल एब्सेंट होता है। इंटरकैलेटेड डक्ट्स आर लाइंड विद सिंपल क्यूबॉइडल। पैनक्रियास के अंदर जो इंटरकैलेटेड डक्ट है वो किससे बना होता है? क्यूबॉइडल सेल से बना होता है। डस्ट सेल्स आर सीन इन लंग्स। डस्ट सेल्स को और क्या बोलते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेज। ओव्यूलेशन फोजा इज फीचर ऑफ ओवरी ऑफ मेयर। डेस्मेट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन आई। डेस्मेट मेम्ब्रेन एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि स्ट्रोमा और एंडोथेलियल लेयर ऑफ कॉर्निया इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। फैगोसाइटिक सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल्स आर 10-15% ऑफ ऑल द सेल्स फाउंड विद इन द ब्रेन। इसको हम मैक्रोफेज ऑफ CNS भी बोलते हैं। ह्यूमन फुट शेप्ड स्प्लीन इज ऑफ डॉग। तो डॉग का जो स्प्लीन होता है वो ह्यूमन फुट शेप का होता है। जोनरी प्लासेंटा इज प्रेजेंट इन बिच। तो जोनरी प्लासेंटा जनरली कार्निवोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड बिच इज अ कार्निवोर। द आर्टरी विच हेल्प इन पर रेक्टल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज मिडल यूट्राइन आर्टरी। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स जितनी भी है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो सब मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एमेलियोब्लास्ट सेल्स आर फीचर ऑफ टूथ। तो एमीलोब्लास्ट सेल्स सेक्रेट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी कॉल्ड इनेमल। तो एमीलोब्लास्ट सेल्स क्या सेक्रेट करती है? इनेमल, और ये टूथ में प्रेजेंट होती है। एरिया क्राइबोसा इज प्रेजेंट इन किडनी ऑफ हॉर्स। राउंड लिगामेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज रेमनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन। सेक्रम ऑफ डॉग इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 वर्टिब्रा। डॉग का जो सेक्रम होता है वो 3 वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिलके बनता है। फीमोरल कैनाल डॉर्सली कवर्ड बाय अ स्ट्रैप लाइक मसल नोन एज सार्टोरियस। तो सार्टोरियस एक स्ट्रैप लाइक मसल होता है। स्ट्रैप मींस बेल्ट लाइक मसल। रिनाल आर्टरी इज पेयर्ड एंड विजरल। तो रिनाल आर्टरी 2 होती है और ये विजरल होती है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम एक कॉटिलॉइड कैविटी होती है जो कि 3 बोन्स के एंगल के यूनियन से मिलके बनती है। कौन कौन सी बोन होती है? इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस। और इस एसिटाबुलम के अंदर जो फीमर का हेड है वो आकर अकोमोडेट करता है। नेक्स्ट, हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग द पोस्टीरियर फीमोरल मसल्स। जो पोस्टीरियर फीमोरल मसल्स होती है 3 होती है, उनको कलेक्टिवली हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो तीनों मसल कौन सी होती है? बाइसेप फीमोरिस, सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। थर्ड, मार्गोप्लिकेटस। इन हॉर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू नॉन ग्लैंडुलर एंड ग्लैंडुलर पार्ट। हॉर्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, और उनके बीच में एक रफ लाइन प्रेजेंट होती है जिसे मार्गोप्लिकेटस कहते हैं, और ये इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करता है।
नेक्स्ट बल्बस ग्लैंडिस, द ग्लैंड्स पेनिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो जो ग्लैंड्स पेनिस है वो दो पार्ट्स होता है उसमें, जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट होता है उसे बोलते हैं बल्बस ग्लैंडिस और डिस्टल 2/3 पार्ट को पार्स लॉन्गा ग्लैंडिस। तो जो बल्बस ग्लैंडिस है ये क्या किस काम आता है, जब पेनिस वेजाइना में एंटर करता है तो ये जो पार्ट है ये पूरा ब्लड से फिल हो जाता है। ब्रेन सैंड, ब्रेन सैंड का दूसरा नाम कॉर्पोरा एरिनेशिया भी है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ऑल्सो नोन एज ओवेरियन फॉलिकल और ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि एग सेल ऊसाइट को प्रोटेक्ट करके रखती है ओवरी के अंदर। सोमाइट एम्ब्रायनिक सेगमेंट, सोमाइट्स क्या होते हैं, सोमाइट्स पैराएक्सियल म्यूजोडर्म के ब्लॉक्स होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं और ये बाइलेटरली अरेंज्ड होते हैं। ये एम्ब्रायनिक स्टेज में बनते हैं और ये सेगमेंटेड एनिमल्स में हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। पिगोस्टाइल, पिगोस्टाइल बर्ड्स में होता है और ये आखिरी के जो कॉडल वर्टिब्रा होता है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो वो पार्ट को हम पिगोस्टाइल कहते हैं और ये टेल फेदर्स को सपोर्ट करता है। मॉर्यूला, मॉर्यूला एक अर्ली स्टेज है एम्ब्रायो का जिसमें 16 सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं। ये एक सॉलिड बॉल होता है जो जोना पेल्यूसिडा के अंदर होता है, जोना पेल्यूसिडा इसकी आउटर लेयर होती है। इलियक क्वाड्रिफिकेशन, इलियक क्वाड्रिफिकेशन में होता क्या है, जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है वो दो होती है, लेफ्ट और राइट। अब ये दो लेफ्ट और राइट आर्टरीज का फर्दर डिवीजन होता है, जो लेफ्ट वाली होती है वो इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है और राइट वाली भी एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है। तो टोटल चार ब्रांचेस बनते हैं इसलिए इसको इलियक क्वाड्रिफिकेशन कहते हैं। र्यूमेनाटॉमी, र्यूमेनाटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें र्यूमन के अंदर हम इंसिजन करते हैं और जो भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना है वो करके उसके बाद उसे वापस क्लोज कर देते हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज अ मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है और ये कॉर्पोरा कार्निवोसा जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बगल में होता है और ये टर्मिनेट किधर जाकर करता है, ग्लैंड्स पेनिस में जाकर टर्मिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें 8-10 लाइंस में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये आप सबको पता ही है और इसका जो कैप्सूल होता है इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। लिवर का पैरेन्काइमा बहुत सारे लोब्स और लॉब्यूल्स में डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। इट इज अ मॉडिफाइड एक्सोक्राइन ग्लैंड और लिवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं और हेपेटिक लॉब्यूल्स जो है उसके अंदर लिवर सेल्स के कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, कॉर्ड के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है लिवर सेल्स। हेपेटिक लॉब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। पोर्टल कैनाल, पोर्टल कैनाल के अंदर 3 ब्रांचेज होती है, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और इंटरलॉब्यूलर बाइल डक्ट और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड। और इसमें सेंट्रल वेन प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वेन हर एक लॉब्यूल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये ब्लड को लॉब्यूल से हिपेटिक वेन्स के अंदर लेकर आता है। हिपेटिक लॉब्यूल जो है उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हिपेटिक लॉब्यूल के अंदर एक सेंट्रल वेन होगी, हिपेटिक कॉर्ड्स, हिपेटिक साइनोसॉइड्स और बाइल कैनालिक्यूली। नेक्स्ट फेरेंजियल पाउचेस, फेरेंजियल पाउचेस एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के टाइम बनता है और इससे बहुत सारे एडल्ट के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे इसमें टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 5 पाउचेस प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट पाउच है उससे टिम्फेनिक कैविटी एंड ऑडिटरी ट्यूब ये बनता है, सेकेंड पाउच से पैलेटाइन टॉन्सिल एंड फोल्ड कवरिंग इट, थर्ड पाउच से एक्सटर्नल पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस बनता है, फोर्थ पाउच से इंटरनल पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड फिफ्थ पाउच से पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट पटेला, इन ऑक्स पटेला इज अ ट्रायंगुलर सेसमॉइड बोन
प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ट्रोक्लिया ऑफ फीमर। तो आपको पता है कि फीमर का जो डिस्टल एंड होता है उस पर ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है और उसके सामने पटेला आर्टिकुलेट करता है। पटेला के दो सरफेस होते हैं, 3 बॉर्डर और 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो रफ और कॉन्वेक्स होता है और पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होता है और उधर एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होता है जो ट्रोक्लिया के ग्रूव से आर्टिकुलेट करता है। पटेला का जो डॉर्सल बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उसे हम बेस बोलते हैं और वेंट्रल एंगल इज पॉइंटेड एंड इट इज नोन एज एपेक्स। और आपको ये भी पता होगा कि जो हॉर्स का जो पटेला होता है वो रफ क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। नेक्स्ट गैस्टुलेशन, द मॉर्फोजेनिक प्रोसेस दैट गिव राइज टू 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन। जब ब्लास्टुला अपने आप को रीअरेंज करता है इनटू 3 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर होती है आपको बताई दिया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है वो प्रोलिफरेट करेगा और वो एक नया सेल लेयर बनाएगा जिसे हाइपोब्लास्ट कहेंगे और उसके बाद जो बचे हुए जो सेल है वो एपिब्लास्ट बनाते हैं। एपिब्लास्ट एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाता है और उसके बाद जो एपिब्लास्ट लेयर होता है वो माइग्रेट कर जाते हैं उसके सेल्स और वो एंडोडर्म और मीजोडर्म फॉर्म करते हैं और रिमेनिंग एपिब्लास्ट बिकम एक्टोडर्म। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन पेनिस ऑफ बुल एंड स्टेलियन। तो जो बुल का जो पेनिस होता है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, बॉडी, ग्लैंड्स और सिग्मॉइड फ्लेक्चर प्रेजेंट होता है बुल के पेनिस में और इसका जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द स्टेलियन और रिट्रैक्टर पेनिस मसल इज वेल डेवलप्ड। लेकिन स्टेलियन में क्या होता है, सिग्मॉइड फ्लेक्चर एब्सेंट होता है। तो ये आपको डिफरेंशियल फीचर याद रखने हैं कि बुल में सिग्मॉइड फ्लेक्चर प्रेजेंट होता है और स्टेलियन में एब्सेंट होता है और जो रिट्रैक्टर पेनिस मसल होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता स्टेलियन के अंदर। नेक्स्ट कोलोन ऑफ हॉर्स, हॉर्स के कोलोन के 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रेट कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड स्मॉल कोलोन। अब तीनों की लेंथ क्या होती है, ग्रेट कोलोन की लेंथ है 3 टू 3.5 मीटर, ट्रांसवर्स कोलोन कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है एंड स्मॉल कोलोन की लेंथ है 3 टू 5 मीटर। ग्रेट कोलोन एक बहुत ही बिग ट्यूब होता है और इसके बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है जिसको हमने अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे राइट वेंट्रल, स्टर्नल फ्लेक्सर, लेफ्ट वेंट्रल, पेल्विक फ्लेक्सर, लेफ्ट डॉर्सल, डायफ्रेगमेटिक फ्लेक्सर, राइट डॉर्सल और इसके वॉल के ऊपर बहुत सारे बैंड्स एंड सेक्यूलेशन प्रेजेंट होते हैं। बैंड्स को क्या बोलते हैं, टीनियाई कोलाई। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, टीनियाई कोलाई किस में प्रेजेंट होता है, हॉर्स में। ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है और ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ग्रेट कोलोन एंड स्मॉल कोलोन। स्मॉल कोलोन के अंदर जो बैंड्स है वो कंपैरेटिवली लेस होता है। नेक्स्ट फीटल मेम्ब्रेन, तो आपको पता है टोटल 4 फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, 2 तो ट्रोफोब्लास्ट से अराइज होते हैं और 2 इनर सेल मास से। तो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन और एमनियन ये दोनों बनते हैं और इनर सेल मास से एलेंटॉइस और योर्क सैक। कोरियन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द एंटायर कंसेप्टस, कंसेप्टस मतलब एम्ब्रायो, तो कोरियन इज द आउटर बाउंड्री। उसके बाद जो उसके बाद आता है एमनियन, एमनियन पूरे एम्ब्रायो को एनक्लोज करके रखता है विद इन अ फ्लूइड फिल्ड नोन एज एमनियोटिक कैविटी। एलेंटॉइस हाइंड गट के स्प्लैंक्नोप्यूरी का आउटग्रोथ होता है और इसका जो आउटर सरफेस होता है एलेंटॉइस का वो कोरियन के इनर सरफेस से बाइंड करता है और एमनियन के आउटर सरफेस से बाइंड करता है। तो ये आपको याद रखना है इसकी पोजीशन क्या होती है और ये वस्कुलर होता है और ये बहुत सारे वेसल्स प्रोवाइड करता है प्लासेंटा को। उसके बाद आता है योर्क सैक, तो आपको पता है योर्क सैक डेवलप फ्रॉम द इनर सेल मास। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड इंटर फॉलिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है और इसका जो कैप्स्यूल होता है वो लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है और ये बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स को सराउंड करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो उसके अंदर सिंपल एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, थायराइड फॉलिकल्स सिंपल एपिथीलियम से मिलके बना होता है और प्रिंसिपल सेल्स के साथ मतलब थायराइड सेल्स के साथ एक और सेल प्रेजेंट होता है जिन्हें बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल।
पैरा फॉलिकुलर सेल्स का अगर हम स्टेनिंग करेंगे हिमेटोजैलिन और इओसिन में तो ये अच्छे से स्टेन नहीं होते और इनको हम सी सेल्स और क्लियर सेल भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर दिखता है। और इसका फंक्शन क्या होता है पैरा फॉलिकुलर सेल्स का, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को लोअर करता है, कम करता है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो नंबर वन ए पार्ट, डिस्क्राइब द फीमर ऑफ ऑक्स विद वेल लेबल्ड डायग्राम। तो आपको पता है फीमर इज द मोस्ट मैसिव लॉन्ग बोन ऑफ हाइंड लिम्ब और इसकी क्या पोजीशन होती है, ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और ये ऑब्लिक मैनर में होता है। इसका जो लेटरल मीडियल और एंटीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ और कंटीन्यूअस होता है, इसलिए इसको हम राउंड बोन भी कहते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्रेनियल, कॉडल, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब क्या होता है, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है और ये जब आप बोन्स देखोगे तो हर किसी में ये सब वर्ड्स आते हैं, तो आपको आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। तो जो मीडियल बॉर्डर होता है फीमर का, उसमें मीडियल सुप्रा कॉन्डिलॉइड क्रेस्ट प्रेजेंट होता है, उसी लेवल पे लेटरल बॉर्डर पे सुप्रा कॉन्डिलॉइड फोजा ये होता है और इसके प्रॉक्सिमल एंड पे, अपर एंड पे हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटरिक फोजा और ट्रोकेंटरिक रिज ये सब प्रेजेंट होता है। फीविया कैपिटिस फीमर के हेड पे होता है, ये एक स्मॉल डिप्रेशन होता है। डिस्टल एंड पे कॉन्डाइल्स और ट्रोक्लिया ये प्रेजेंट होता है। जो कॉन्डाइल्स है वो लेटरल होता है और मीडियल होता है और ये पोस्टीरियर एस्पार्ट ऑफ बोन पर सिचुएटेड होता है। एक्सटेंसर फोजा, एक्सटेंसर फोजा इज प्रेजेंट बिटवीन लेटरल रिज ऑफ ट्रोक्लिया एंड लेटरल कॉन्डाइल। तो लेटरल रिज ट्रोक्लिया का और लेटरल कॉन्डाइल, इन दोनों के बीच में एक एक्सटेंसर फोजा प्रेजेंट होता है। अब आते हैं बी पार्ट पे, कंपेयर द फीमर ऑफ ऑक्स विद हॉर्स एंड डॉग। अभी हमने ऑक्स का देखा, अब फीमर ऑफ हॉर्स और डॉग का भी देखते हैं। तो जो हॉर्स का फीमर है वो मोर मैसिव है, ऑक्स के फीमर से ज़्यादा मैसिव होता है और इसका जो अपर पार्ट होता है उधर एक एक्स्ट्रा प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है, लेटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम थर्ड ट्रोकेंटर बोलते हैं, ये हॉर्स में मिलता है। और एक ट्रोकेंटर माइनर जो होता है वो एक रिज के फॉर्म में होता है। फीविया कैपिटिस इज डीप एंड नॉच्ड, तो इसमें फीविया कैपिटिस डीप होता है और नॉच्ड होता है। फीमर ऑफ डॉग, अब जो डॉग का फीमर है उसमें सुप्रा कॉन्डिलॉइड फोजा इज एब्सेंट, सुप्रा कॉन्डिलॉइड फोजा नहीं होता और ना ही थर्ड ट्रोकेंटर होता है, थर्ड ट्रोकेंटर सिर्फ हॉर्स में प्रेजेंट होता है। और जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है डॉग का वो लोअर लेवल पे होता है हेड ऑफ फीमर के। फीमर ऑफ डॉग के जो दोनों कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होता है डिस्टल एंड पे, उधर दो सिस्मोइड बोन्स मिलते हैं जिन्हें हम फेबुला कहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द एब्डोमिनल अओर्टा एंड इट्स कोलेटरल ब्रांचेस। एब्डोमिनल अओर्टा एक्सटेंड फ्रॉम हाइटस अओर्टिकस। हाइटस अओर्टिकस क्या होता है, इट इज अ होल इन द डायफ्राम, इट पासिस बिलो द बॉडीज ऑफ द लंबर वर्टिब्रा एंड टर्मिनेट एट 5th to 6th लंबर वर्टिब्रा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से शुरू होता है, एब्डोमिनल aorta लंबर वर्टिब्रा के बॉडी से शुरू होता है और उसके बाद कहाँ जाकर टर्मिनेट होता है, 5th and 6th लंबर वर्टिब्रा पे जाकर टर्मिनेट होता है और उस पॉइंट पे वो डिवाइड हो जाता है दो एक्सटर्नल एंड दो इंटरनल इलियक आर्टरीज में। और एब्डोमिनल aorta के ब्रांचेस भी होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, सीलिएक आर्टरी, क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन आर्टरीज, लंबार आर्टरीज एंड कॉडल मेसेंट्रिक आर्टरीज। सीलिएक आर्टरी के फर्दर डिवीजन होता है, फ्रीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, राइट रूमिनल आर्टरी, लेफ्ट रूमिनल आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक और ओमेजो एबोमेजल आर्टरी। तो ये सीलिएक आर्टरी के फर्दर डिवीजन होता है। अब इसका बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लिवर ऑफ ऑक्स। आपको पता है लिवर इज द लार्जेस्ट सॉलिड ग्लैंड, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर और इसकी क्या पोजीशन होती है, इट इज लोकेटेड एट राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, लंबो कोस्टल एंगल से लेकर 7th to 8th रिप तक ये एक्सटेंड करता है और ये एब्डोमिन से 5 लिगामेंट से जुड़ा रहता है। लिवर के दो सरफेस होते हैं पराइटल एंड विसरल। जो पराइटल सरफेस होता है उधर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये मिलता है और ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इसोफेजियल नॉच से लेकर अम्बिलिकल फीचर तक, अम्बिलिकल फिजर तक एक्सटेंड करता है।
और ये जो पराइटल सरफेस होता है, ये पराइटल सरफेस कॉन्वेक्स होता है और ये लिवर को डायफ्राम से अटैच करता है। अब आते हैं विजरल सरफेस। तो जो इसका विजरल सरफेस है वो कॉनकेव होता है, उस पर बहुत सारे ऑर्गन्स के इम्प्रेशंस मिलते हैं और इसके चार बॉर्डर होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। लेजर ओमेंटम ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, ईसोफेजियल नॉथ से लेकर पोर्टल फिजर तक एक्सटेंड करता है। और लिवर का जो हाइलस होता है उसे क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपेटिस और पोर्टल फिशर। तो आपको पता होगा हाइलस वो जगह होती है जहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब आकर लिवर में एंटर करती है। तो ये था लिवर के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ए पार्ट, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो अब आपको इसमें हिस्टोलॉजी बतानी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और जो इसका सरफेस एपिथीलियम होता है वो सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम से बना रहता है और उसमें गॉबलेट सेल्स मिलते हैं। और जो लैमिना प्रोप्रिया होता है उसमें सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स मिलते हैं जिन्हें हम क्रिप्स ऑफ लेबरकर्न भी कहते हैं और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, आपको पता है कि म्यूकोसा के तीन लेयर्स प्रेजेंट होता है। एक होता है म्यूकोसल एपिथीलियम, दूसरा लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा लेयर होता है म्यूकोसल मस्क्यूलरिस। तो जो लैमिना प्रोप्रिया होता है वो मिडल लेयर होता है और इसमें क्या मिलता है, इसमें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स मिलते हैं और पेनेथ सेल्स भी मिलते हैं जो रुमिनेंट्स और हॉर्सेस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। तो उसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस क्या क्या है, पहला है प्लीका सर्कुलरिस। तो प्लीका सर्कुलरिस आपको पता है इट इज अ लार्ज डीप फोल्ड ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो प्लीका सर्कुलरिस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का फोल्ड होता है। फिर विल्लाए, तो विल्लाए आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द म्यूकोसा। म्यूकोसा में जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होता है, म्यूकोसा के फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को विल्लाए बोलते हैं और ये सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम से बना रहता है। उसके बाद आते हैं माइक्रोविल्लाए। तो माइक्रोविल्लाए को ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं और ये टाइनी प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकोसल सेल्स, म्यूकोसल सेल्स के ऊपर टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे हम माइक्रोविल्लाए बोलते हैं। अब आते हैं बी पार्ट पे, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपको इसमें स्टेजेस बताने हैं। तो आपको पता है कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म का प्रिपरेशन होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है स्पर्म एग रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, थर्ड स्टेप स्पर्म एग फ्यूजन, एंड फोर्थ स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रो न्यूक्लियाई एंड एक्टिवेशन ऑफ द जायगोट। तो ये है फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स। और इसी के साथ आज का एनाटॉमी पेपर 2 कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।